दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में घर के अंदर चल रहा नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ टास्क का पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 3 कंटेस्टेंट का नाम सामने आ चुका है, जो कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला नाम सोमबुल तोकिर खान का है, जिनका कि इस हफ्ते भी किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा। दूसरा नाम सौंदर्या शर्मा का है और तीसरा नाम अर्चना गौतम का है, जिनको कि घर के सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर टारगेट किया है और सभी ने मिलकर इन तीनों कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया है। दरअसल दोस्तों, इस टास्क के दौरान घर के सभी कंटेस्टेंट को अपनी तरफ से दो दो ऐसे कंटेस्टेंट्स का नाम लेना था, जिनको कि वो इस हफ्ते घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, और इस दौरान उनको उनकी पीठ में खंजर घोंपना था। और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस समय ये तीनों ही सदस्य घर के अंदर पीठ पीछे छुरा लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने इनके पीठ में खंजर घोंपा है इनको नॉमिनेट करने के लिए। खैर दोस्तों, ये तीनों सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस बार घर से बेघर कौन सा कंटेस्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों शो के प्रति यदि योगदान देखा जाए तो सबसे कम योगदान सुंबुल तोकिर खान का रहता है और इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एविक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, क्या सुंबुल को घर से बेघर होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।